किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी प्रोजेक्ट का आउटकम उस पर डिपेंड करता है कि उसका प्रोसेस कैसा रहा हो, उसका प्रोसेस कितना अच्छा और कितना तेज रहा हो। वेलकम टू फीवर एफएम प्रेजेंट्स प्राइम लोकेशन शो। मैं हूं आरजे अभिषेक और आज मैं आ गया हूं मास्टर्स इंफ्रा के कैपिटल एवेन्यू प्रोजेक्ट में। और आज हम क्या देखने वाले हैं, हम आज देखने वाले हैं इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट का हम प्रोसेस देखेंगे कितना अच्छा है और कितना तेज है, ताकि हम पता लगा सकें कि आउटकम कितना बढ़िया होने वाला है। सो लेट्स गो। मैं जब यहाँ पर अप्रैल में आया था, तब तक यहाँ पर सिर्फ बेसमेंट की तैयारी हुई थी और आज देखो 5 फ्लोर्स बन चुके हैं। मतलब इतनी तेजी से कंस्ट्रक्शन आई डोंट थिंक सो कोई कर रहा है या कहीं हो रही है। और एक बहुत ही अलग सा फैक्ट बताऊं मैं आपको, क्या हुआ क्या था कि बीच में रॉ मटेरियल्स की जो कॉस्ट थी वो 70% हाइक पे पहुंच गई थी और नोएडा में काफी जगहों में काम रुक गया था, पर मास्टर्स इंफ्रा कैपिटल एवेन्यू का काम बिल्कुल नहीं रुका। यही रीजन है कि आज हम उस ऊंचाई तक पहुंच गए हैं एंड आई एम श्योर कुछ टाइम बाद ये ऊंचाई डबल होने वाली है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सरिया एकदम बढ़िया होना चाहिए, तो उन्होंने बहुत बढ़िया सरिया लगाया ताकि इस पूरे मास्टरपीस की फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग रहे। जैसे कि इन लोगों की फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है, बहुत ही बढ़िया। इस मास्टरपीस की मास्टर मेकिंग के बारे में जानने के लिए मैं इतना एक्साइटेड हो गया, तो मैंने ऐसा सोचा कि जो एक्चुअल मास्टर्स हैं मैं उन्हीं के साथ ही बैठ के देखूं कि एग्जैक्टली ये कितनी तेजी से काम कर रहे हैं। तो मुझे ये पता चला कि ये लोग हर महीने एवरी मंथ ये एक और फ्लोर बना देते हैं, तो देख रहे हो कितनी तेजी से काम चल रहा है। बाकी अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने मास्टर्स के साथ बैठ के थोड़ी थोड़ी चाय पी लूँ। तब तक के लिए आपको पता क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और हाँ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और आ जाओ मास्टर्स इंफ्रा प्रेजेंट्स कैपिटल एवेन्यू। सी यू, बाय।